पावर। आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के कुछ बेसिक स्टिचेस बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करके आप अपनी कमीज या कुर्ती को डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये है रनिंग स्टिच। ये सिंपली इक्वल डिस्टेंस से हमें नीडल पास करते जाना है तो ये आपका रनिंग स्टिच बन जाएगा। चलिए देखते हैं इस तरह से। बहुत इजी है इसको बनाना। इसे कांथा वर्क भी कहते हैं। सबसे सिंपल दिखने वाला ये जो स्टिच है ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। पेपर स्लिप के ऊपर इसका किया हुआ वर्क इतना फैशन में है। देखिए इस तरह से बहुत इजी और फास्ट ये कंप्लीट कर सकते हैं हम इसको। इसमें स्टिचेस आप अपनी मर्जी से छोटे या बड़े ले सकते हैं। ज़्यादातर छोटे स्टिच में किया हुआ काम ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसी में, अगर हम जैसे इसी स्टिच को हमने विप स्टिच हम इसको बोलेंगे, अगर हम दूसरे थ्रेड से इसी रनिंग स्टिच में से थ्रेड को जिगजैग तरीके से जब हम पास करेंगे तो उसका इस तरह सा सुंदर सा एक इफेक्ट बनता है। जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं कुर्तियों में, जहाँ हल्की एम्ब्रॉयडरी आप सोबर एम्ब्रॉयडरी आप पसंद करते हैं। जब पास पास आप रनिंग स्टिच को उठाएंगे तो उसमें ये ज्यादा हाईलाइट होगा इस तरह से। आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने थोड़ा दूर दूर, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर पता चल जाए इस तरह से। हल्के हाथों से बनाएं, नहीं तो ये सारा पैटर्न जो आपका सारा वर्क जो है खींचा जाएगा इस तरह से। सिंपली इन लूप्स को उठाते जाना है जिगजैग तरीके से। अब इसी तरह अगर हम रनिंग स्टिच को एक ही साइड से धागा पास करेंगे तो वो बन जाएगा एक डोरी का इफेक्ट इसमें आएगा। आप देखें उसे भी आप कुर्तियों में यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने जिगजैग तरीके से दूसरे कलर को क्रॉस किया है, ऐसे ही हम एक ही साइड से जब नीडल को पास करेंगे, देखिए एक ही साइड से, तो बहुत सुंदर डोरी का एक इफेक्ट देगा जिसे भी आप कुर्तियों में यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी बनाना बहुत सिंपल है। धागे को खींचने का आपको टैक्ट आना चाहिए कि कहाँ हल्के हाथ से धागा खींचना है और कहाँ थोड़ा कस के रखना है, बस आपका पैटर्न जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट हम सीखेंगे काउचिंग स्टिच। तो काउचिंग स्टिच के लिए सिंपली हमको जैसे जहाँ भी वर्क करना है वहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे हमको धागे को सीधा एक लॉन्ग स्टिच में ले लेना है। आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जहाँ पे टर्न आए उस हिसाब से आप इसको लंबा कितना स्टिच लेना है उस हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। तो करना क्या है, इस लॉन्ग स्टिच के ऊपर सिंपली हमको दूसरे किसी कलर के थ्रेड से
पास पास टकिंग करनी है, ताकि ये जो लॉन्ग स्टिच है हमारा, इसको हमने दबाना है दूसरे कलर से इस तरह से। काउचिंग स्टिच इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल है इसको बनाना। स्ट्रेट भी ले सकते हैं स्टिच को, थोड़ा सा डायगोनल भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। हमारा मेन पर्पस जो है नीचे वाले थ्रेड को शेप में रखना, पोजीशन में रखना होता है, इसके लिए हम टकिंग करते हैं और साथ में बहुत सुंदर इफेक्ट भी देता है। इसको भी हम जहाँ बॉर्डर लाइन होती है वहाँ पे इसको लाइनिंग, जहाँ हम करते हैं बॉर्डर में, पैटर्न में, कहीं भी नेक लाइन के पास या अपने दामन में जो भी हम लाइनिंग का वर्क करते हैं, बाजू पे करते हैं, वहाँ पे हम इसको बॉर्डर में ले सकते हैं। या कई बार हम फ्लावर्स का काम करते हैं तो उसमें भी हम इसको कभी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव ये स्टिचेस दिखते हैं। तो बहुत सिंपल था इसे बनाना, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच है हमारा बैक स्टिच। इसके लिए हमको सेम डिस्टेंस से थ्रेड को उठाना है और यहाँ इसी होल में बैक में इसको एंड करना है इस तरह से। बराबर के डिस्टेंस पे इसको इसे वर्क करते जाना है। बॉर्डर लाइन पे ये चीज़ें काम आती हैं, जहाँ हम नेक लाइन या स्लीव की लाइन हो या अपने कमीज के घेरे पर काम करना है, कहीं भी आपको जहाँ पर बॉर्डर के आसपास लाइन का काम करना होता है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इक्वल डिस्टेंस पे इसको नीडल पास करनी है और बैक में पिछले हमारे स्टिच के पास इसको एंड करना है। और ब्रीक जब इसका उस स्टिच को उठाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। देखिए इस तरह से नेक्स्ट हम सीखेंगे स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच भी बेसिकली बैक स्टिच की तरह ही होता है। इक्वल डिस्टेंस पे हमको ये स्टिच उठाना है और बैक में यहाँ फैब्रिक में नीडल को पास ना करते हुए थ्रेड में पास करना है। देखिए इस तरह से सिंपली, ये जस्ट बैक स्टिच की तरह है लेकिन इसमें हम जब बैक की नीडल जो है वो थ्रेड में से पास करते हैं इस तरह से, ये थ्रेड पे से। इस स्टिच को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब किसी फ्लावर के फिलिंग करनी होती है
तो उसमें हम मैथ्स का आपको मैं वीडियो में बताऊंगी कैसे प्लॉट फिलिंग जो है इससे करते हैं। स्प्लिट स्टिचेस को बोलते हैं। ये भी पास पास स्टिच उठाना है, ये थोड़े बड़े स्टिचेस में उठा रही हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो इस तरह ये स्टिच होगा, स्प्लिट स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सीखते हैं स्टम स्टिच। तो स्टम स्टिच के लिए हमें इस तरह से लेफ्ट साइड पे हमको ये धागा रखना है और इस तरह से स्टिच उठाते जाना है। इक्वल डिस्टेंस पे हमको नीडल पास करनी है इस तरह से। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसको हम फ्लावर्स के स्टेम्स में यूज़ करते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स और उनके स्टेम्स में हम इसको यूज़ करते हैं। एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स के अंदर जो लाइनिंग का काम होता है, जहाँ भी हमें लाइन लेनी होती है ब्रीक स्टिचेस में, छोटे छोटे स्टिचेस उठाकर हम यही स्टिच यूज करते हैं। नेक्स्ट जब थोड़े बड़े ट्यूटोरियल कुछ पैटर्न्स में आपको सिखाऊंगी तो उसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इस स्टिच को कैसे यूज करते हैं। तो इस तरह से स्टिच हम कंप्लीट कर लेंगे स्टेम स्टिच। ये जितने भी स्टिचेस मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़े छोटे स्टिचेस उठाकर ही बनाएं। कुर्तीज में जब हम वर्क करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। सिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा मोटा मोटा ही करके बताया जाए ताकि सीखने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए तो ये हो गया हमारा स्टम स्टिच। नेक्स्ट हम बनाएंगे चेन स्टिच। इसके लिए धागा आगे को लेके जहाँ से हमने थ्रेड निकाला है वहीं से नीडल पास करते हुए छोटे छोटे स्टिचेस में इसको इस तरह से लूप को बनाते जाना है। ये हो जाएगा हमारा चेन स्टिच। केवल चेन स्टिच से ही हम एक बहुत अच्छी कुर्ती बना सकते हैं। इसी स्टिच को बॉर्डर लाइन के रूप में यूज कर लें और इसी स्टिच को फिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कोई फ्लावर हो तो उसी को लाइन के पास पास बनाते हुए इसको फिल कर सकते हैं हम किसी भी पैटर्न को। तो ये हमारा चेन स्टिच।
इसको कंप्लीट करना है। बहुत इजी है ये चेन स्टिच। इक्वल डिस्टेंसिंग सारे स्टिचेस में हमको मेंटेन करके रखनी है, चाहे हम स्टिच थोड़ा बड़ा ले रहे हैं या छोटा ले रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारा चेन स्टिच। देखिए इस तरह से धागे के बिल्कुल सामने से और आगे को डायगनल, नीडल हमारी डायगनल है तो इसको ऊपर से धागा इस तरह घुमा के इसके सामने और फिर आगे को, और धागा हमें ऐसे घुमाना है। बेल्ट के बिल्कुल सामने से और आगे को नीडल जो हमारी बैग बन रहेगी और धागा ऊपर से नीचे को ऊपर घुमा के इस तरह इसको थोड़ा टाइट रखना है। स्टिच को सामने से फिर फ्रंट पे और धागा ऊपर से नीचे को इस तरह। देखिए बहुत प्यारा सा हमारा ये स्टिच है सामने से लेकर ये धागे को। इसे हम अपनी मर्जी से थोड़ा पास या थोड़ा दूर रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दूर अगर रखेंगे तभी इसकी जो कटिंग है इस स्टिच की ज़्यादा उभर के आएगी। देखिए सामने से नीडल को आगे की तरफ डायगनल पास करते हुए धागा ऊपर से लेफ्ट की तरफ घुमा के इस तरह इसको थोड़ा सा टाइट इसको हम थ्रेड को रखेंगे इस तरह से। देखने से पता चल रहा है कि आप इसको किस तरह अपनी कुर्ती में यूज कर सकते हैं, जहाँ हमें थोड़ी सी कटिंग थोड़े एजेस की एम्ब्रॉयडरी हमें चाहिए। एक बार उसको कोई भी स्टिच की अपनी एक टेक्निक होती है, जब एक टेक्निक समझ में आ जाती है तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहता स्टिच लगाना। डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और थोड़ी ये जजमेंट चाहिए कि कितनी दूरी पे हमको नीडल पास करनी है और थ्रेड का जो स्टाइल है कि ऊपर से नीचे या दाई तरफ या बाई तरफ, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो एम्ब्रॉयडरी करना कोई मुश्किल बात नहीं। तो ये हमारा बन गया ट्विस्टेड चेन स्टिच। इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम चेन स्टिच की एक वेरिएशन करेंगे। देखिए इस तरह से भी आप कहीं डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं चेन स्टिच को। इसके लिए मेन लाइन जो हमारी ये ड्रॉ की हुई है इसके इस तरफ और इस तरफ काम करना है। जैसे हमें अभी सपोज जिगजैग में हमें इसको लेके जाना है चेन स्टिच को, राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरह हम इस स्टिच को जिगजैग तरीके से बनाते जाएंगे। देखिए मेन लाइन में हमें कोई नीडल पास नहीं करनी, उसके आसपास हमको वर्क करना है इस तरह से।
बस इसमें भी वही बात, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। चाहे आप स्ट्रेट लाइन पे वर्क कर रहे हैं या जिगजैग में वर्क कर रहे हैं, तो आपको इक्वल डिस्टेंस पे ही स्टिच उठाना है। देखिए इस तरह से ब्यूटीफुल इफेक्ट, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ हमने बना लिया। इस स्टिच को आप कह सकते हैं जिगजैग चेन स्टिच। हम इस स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे केबल चेन स्टिच। देखिए इसके लिए हमको इस तरह से धागे को सुई पे रोटेट करके और थोड़े डिस्टेंस पे आगे की तरफ से थ्रेड पास करके इसको इस तरह बनाएंगे। देखिए समझ में आ गया होगा। फिर इसको इस तरह से पास से नीडल पास करके फिर सेम डिस्टेंस पे धागे को राइट तरफ इस तरह पास करेंगे। देखिए एक बार इसको इस तरह से सेम डिस्टेंस से धागे को लेफ्ट से राइट तरफ टर्न करेंगे। ब्यूटीफुल चेन स्टिच करके आता है। इसको भी हम कुर्तीज में वर्क करेंगे। सिंपल सोपर एम्ब्रॉयडरी जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक बार आप इसको रोटेट करके पास से छोटा सा स्टिच करके फिर लॉन्ग स्टिच इसको नीडल को निकालते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ धागे को घुमा के इस तरह से बहुत सुंदर सी केबल चेन हमारी ऐसे बनती है। इस तरह से हम अपने स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे ब्लैंकेट स्टिच। तो इसके लिए इस तरह से हमें बराबर डिस्टेंस के धागे को आगे की तरफ रखते हुए इस तरह से स्टिच उठाते जाना है। धागे को आगे की तरफ रखना जरूरी है इसमें, नहीं तो आपका ये लूप जो है टाइट नहीं होगा। इस तरह से धागे को पकड़ के रखेंगे आप। इसको आप यूज कर सकते हैं हैंकी के चारों तरफ इससे बॉर्डर बना सकते हैं।
या कभी आप जैसे नाम से पता चल रहा है ब्लैंकेट स्टिच है, तो कोई ब्लैंकेट से मोटे थ्रेड से या बड़ी निडल लेके ये स्टिच करके इसकी एजिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एजिंग स्टिच है। बस डिस्टेंस को आपने मेंटेन करके रखना है ये सारे स्टिचेस में, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको धागे को आगे की तरफ एक यू बड़ा सा लूप बन जाता है, नीडल को उसमें से आपने पास करना है। कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी। तो इसके लिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।